प्रतिनिधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं वाराणसी के मेदागिन चौराहे पर, जहां हमारे संवाददाता जुनेद खान मौजूद हैं। देखिए, ई रिक्शा की बढ़ती आबादी के कारण क्या दिक्कतें हो रही हैं। इस समय हम वाराणसी के मेदागिन चौराहे पे उपस्थित हैं। आपको दिखा दें कि वाराणसी में लगातार टोटो की तादाद बढ़ने की वजह से लगातार जाम की समस्या खत्म होने की नाम नहीं है। तो अपने कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम से कहेंगे, दिखाएं कि यातायात के जो होमगार्ड यहाँ पे हैं, लगातार टोटो को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर लगातार जो टोटो चालक हैं वो अपने मनमन इतने हैं कि लगातार 3 लाइन 4 लाइन कतार लगाकर यहाँ पे टोटो चला रहे हैं, जो कि बिना परमिट के अगर इनसे पेपर मांग लिया जाए तो इनकी गाड़ियों में पेपर तक नहीं मिलता है। और आप देखते कैमरे में इनका नंबर भी आ रहा है, और साथ साथ होमगार्ड के भगाने के बावजूद भी इतने मनमन हैं, ये अपनी गाड़ियाँ बस 2 मिनट के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, मगर जाम की समस्या अगर सबसे ज़्यादा है तो बनारस में इस समय बनारस का सबसे बड़ा जाम का जो समस्या है वो टोटो है। और अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे, खुर्शीद आलम से आगे आए वो दिखाएं कि देख सकते हैं आप लगातार यहाँ से जो ऑटो और जो पहले जो रिक्शा चलता था वो तो नहीं दिखाई देता है, मगर अब टोटो जो जिस तरीके से आबादी टोटो की जो बढ़ रही है, मोदी जी ने ये काम विकलांग लोगों के लिए किया था कि जो विकलांग होंगे, जो गरीब होंगे उनके लिए होगा, मगर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये VVIP मोमेंट है, काल भैरव जाने वाला मंदिर का रास्ता यही है, जिस तरीके जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री आते हैं तो यहीं जाते हैं, मगर ये टोटो चालकों का जो ये आबादी जो बढ़ती जा रही है, मतलब विकलांगों के लिए मोदी जी ने ये एक संकल्प निकाला था कि जो विकलांग होंगे इससे कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, मगर हर कोई इसका लाभ उठा रहा है। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बिना स्टैंड के, मतलब यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है, और अपने मर्जी से यहाँ पे गाड़ियाँ लगाकर लोगों को सवारी बिठा रहे हैं, जिसके वजह से कई बार यहाँ पे दुर्घटना भी हुई है। दुर्घटना के साथ साथ अगर बात करें तो जो टोटो चालक है इनके पास अगर पेपर के नाम पे बोला जाए तो DL तक नहीं मिलता है, ना तो DL के साथ साथ पेपर मिलता है, ना परमिट मिलती है, मगर लगातार बनारस में अगर जाम की समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ टोटो जाम की समस्या बड़ी समस्या हो चुकी है। और हम थोड़ा और आगे चलेंगे, जहाँ पे आपको मेन पॉइंट दिखाएं, जो एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ के लिए और दूसरा जाता है काल भैरव के लिए, तो हम आपको दिखा रहे हैं ये मेदागिन चौराहा मेन पॉइंट है, जहाँ से लगातार VVIP प्रोग्राम, मतलब VIP जो भी होते हैं यहीं से जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कतारों में, लाइनों में टोटो नहीं है, वो बिखरी हुई टोटो है जो लाइन से नहीं आ जाते हैं, बस सवारी के लिए किसी को भी चोट पहुंचाकर आगे बढ़ना इनका काम है। मतलब कि टोटो चालकों को किसी भी तरीके की कोई डर नहीं है, चाहे वो वर्दी में कोई खड़ा हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब पुलिस की भी इनको डर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको ये पता है कि सवारी बिठाना है और सवारी को चोट लगाना है। मतलब कि जो आबादी बढ़ी जा रही है, आबादी जो टोटो की बढ़ रही है, इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। नगर निगम द्वारा के अलावा अगर बात करें तो लगातार जो तरीके से हादसा हो रहा है, कल देर दिन में शाम में कल जिस तरीके से रोड धसी थी, इन्हीं लोगों की वजह से कह सकते हैं कि रोड धसी थी, क्योंकि टोटो चालक बेतरतीब गाड़ी चलाते हैं, जिनकी वजह से जनता को काफ़ी मजबूरी का सामना और काफ़ी चलने का सहारा नहीं मिलता है, दिक्कतें होती हैं, और टोटो चालक अपनी मनमानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से देख सकते हैं कि आबादी टोटो चालकों की बढ़ रही है। अब देखना यह है यातायात विभाग, RTO विभाग इस पर किस तरीके से सिकंजा कसेगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम